हेलो दोस्तों। तो यार आज की हम पेंटिंग कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब से हमला हुआ था उसके ऊपर ही आज की पोस्टर मेकिंग बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम देखो मैं कॉम्पोजिशन कैसे यूज़ कर रहा हूँ और कलरिंग टेक्निक कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तुम इन दोनों पे ध्यान दो और ध्यान से देखो मैं कैसे क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ करने की कोशिश करो सेम। ठीक है, देखो जब मैं फेस पे कलर करूँगा ना तो तुम्हें ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं डार्क कहाँ पे दे रहा हूँ और मीडियम टोन कहाँ डाल रहा हूँ और लाइट टोन कहाँ डाल रहा हूँ। जैसे लाइट टोन ना सारे पता है कहाँ पे डालेंगे, सर वाले पार्ट पे, और फिर जैसे तुम्हारा गाल वाले पार्ट पे, और जो तुम्हारी टुड्डी होती है या फिर तुम इसे चिन कह सकते हो, ठीक है, तो चिन वाले पार्ट पे। तो इन तीन जगह ना तुम्हारे ना बिल्कुल मतलब जैसे रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की तो वहाँ पे शाइन सी आती है थोड़ी, तो वो शाइन दिखाने के लिए तुम्हें हल्का कलर यूज़ करना होता है। इस वजह से ना वहाँ पे तुम्हें वाइट कलर यूज़ करना है ज़्यादा, ठीक है। और बाकी डार्क वाले एरिया जैसे देखो बिल्कुल मैंने लेफ्ट साइड जहाँ से बिल्कुल बाल सर पे जो बाल आते हैं ना जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे बिल्कुल ना तुम्हें डार्क करना है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी शेडो आएगी, फिर नाक के आसपास थोड़ा सा डार्क करना है, फिर आँख जहाँ पे आँख होता है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा थोड़ी सी शेडो आती है ना ऊपर आईब्रो से जस्ट नीचे वहाँ पे शेडो आती है ना तो उस जगह भी थोड़ा सा डार्क करना है। और फिर गले के नीचे गले वाले पार्ट में मतलब तुम्हें डार्क करना है क्योंकि वहाँ पे फिर तुम्हारे जो चिन की शेडो आएगी गले पे, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए तुम्हें करना है। ओके, तो अब ध्यान देते रहो मैं कैसे कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। जैसे देखो मैं होंठ पे शाइन देने के लिए हल्का सा वाइट चलाया मैंने और मुंह के अंदर मैंने हल्का सा डार्क करा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है तुम्हें। और फिर देखो होंठ के नीचे मैंने हल्का सा और डार्क किया क्योंकि होंठ की शेडो हल्की सी पड़ रही होती है चिन पे तुम्हारे, ठीक है, तो वो भी तुम्हें दिखाना होता है। ओके, देखो यार तो मैं ना एक बहुत फ़ायदे की चीज़ बताता हूँ तुम्हारे लिए। पहले ना मेरी पेंटिंग देख लो कि मतलब मैं कैसे इस पर कलरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ना देखने के बाद फिर तुम वीडियो पे वापस आओ और ना मेरे साथ साथ करो। अगर तुम साथ साथ करोगे ना तो पता है इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुमसे गलती होगी उस वक्त, क्योंकि तुम जब देखोगे ना तो तुम्हें आसान लगेगा कि यार ये तो बस यहाँ पे वाइट करा है, इसके ऊपर लाइट करने के लिए वाइट कर दे वो। लेकिन जब तुम मिक्स करोगे ना तो थोड़ी तुम्हें डिफ़िकल्टी आएगी उस वक्त। तो जब तुम्हें डिफ़िकल्टी आएगी ना तो उसी जगह ना तुम सीखोगे। ओके, तो ना तुम्हें मतलब कोशिश करना है मेरे साथ कि ये चीज़ करो। जैसे तुम ब्लेंडिंग दोगे तो वाइट और जैसे ब्लैक को मिक्स किया तो तुम ज़्यादा डार्क मिक्स कर दोगे कभी, या फिर कभी बहुत लाइट कर दोगे। तो तुम्हें ना जैसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ब्लैक में जब वाइट मिक्स करोगे तो सबसे पहले एक डार्क टोन आएगा, फिर लाइट आएगा, फिर बिल्कुल लाइट। जैसे मैं तुम्हें बताऊं गाल वाला एरिया, तो गाल वाले एरिया में लेफ्ट में बिल्कुल मतलब ब्लैक करूंगा, फिर उसके बाद मीडियम टोन, फिर एकदम जो गाल का सबसे पॉइंटेड वाला पार्ट है ना उस पर बिल्कुल मैं लाइटर टोन दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है बस। और बाकी डिटेलिंग ना तुम्हें बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी होती है एकदम एंड में तो ना तुम्हें उसमें वाइट और ब्लैक का यूज़ करना होता है बस, कोई भी ग्रेश वाली चीज़ों पे। जैसे ये फेस मैंने बनाया तो ये ग्रे कलर में है ना, तो इस वजह से कह रहा हूँ मैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाली जितनी चीज़ें होती हैं उस पर लास्ट में डिटेलिंग ब्लैक और वाइट से देते हैं। ओके, मतलब बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल वाइट, उसमें कोई ग्रे व्रे यूज़ मत करना। ओके,
बाल बनाते ही कितना मतलब बिल्कुल अच्छा सा लगने लग गया ना, तो बस फिर तुम्हें भी यही करना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा टाइम मत लेना कभी एक चीज़ में, बस एक चीज़ थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ करो, और बाकी फिर बैकग्राउंड बहुत जल्दी करना होगा तुम्हें। अब देखो, अभी सिंपल मैंने ऑरेंज कलर लिया है और ऑरेंज कलर को कर दिया, फिर उसके बाद देखो ये टर्किश ब्लू कर रहा हूँ, और टर्किश ब्लू के साथ ना ब्लू को मिक्स करो, तो तुम्हारा ऐसा बैकग्राउंड हो जाएगा, मतलब टर्किश ब्लू के साथ स्काई ब्लू को। मैं कलर मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, ठीक है? बस तुम देखते रहो कि मैं कैसे कौन से कलर किस हिसाब से चला रहा हूँ। जैसे देखो अभी यहाँ से लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट चला रहा हूँ मैं मोटे ब्रश से, है ना? तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो अभी यहाँ पे मैं बनाऊँगा जो ये बॉम्ब, एटम बॉम्ब जो गिरा था ना, तो उससे जो एक्सप्लोज़न हुई थी, तो वो दिखाऊँगा मैं कि एक्सप्लोज़न कितना बड़ा सा हुआ था। तो वो बनाने के लिए देखो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड करा है, फिर उसके बाद देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑरेंज कलर बैकग्राउंड के ऊपर पहले हल्का सा ऑरेंज को करके गायब कर दिया बैकग्राउंड में, फिर उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा फिर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज किया है, ठीक है? तो ये चीज़ होता है, मतलब जैसे पीछे ना थोड़ी थोड़ी सी ऑरेंजिश लुक दोगे तो उससे थोड़ा डरावना सा भी लगेगा, और मतलब बहुत अच्छा लुक आता है उससे। और फिर लास्ट में बिल्कुल देखो ऑरेंज कलर करके फिर वाइट कलर उस पर ऐसे ऐसे कर दो, पैचेस मारो वाइट से, ठीक है? बिल्कुल ब्रश को रखो, उठाओ रखो, उठाओ रखो, उठाओ जल्दी जल्दी, तो उसे कहते हैं पैचेस मारना, ओके? तो उस पर ऐसे पैचेस मारो, फिर उसके बाद ऊपर भी सेम वही काम करना है तुम्हें, आराम से ऑरेंज कलर करो, और फिर उसके बाद कहीं कहीं डार्क करने के लिए तुम्हें ब्राउन कलर या ब्लैक कलर तुम यूज़ कर सकते हो उसमें। और फिर जैसे देखो अब येलो कलर मैंने लाइट, अब देखो ऊपर वाले में ना थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग करी है मैंने, तो इस वजह से उसमें मैं येलो कलर वगैरह मिक्स कर रहा हूँ, नीचे वाले में मैंने बस ऑरेंज और वाइट मिक्स करा था, ठीक है? तो देखो ये वाला पार्ट हो गया, ओके? अब नॉर्मल डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो वो देख लो मैं कौन कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं साइड में मेंशन कर दूंगा वैसे तुम्हें, ठीक है? फिर भी देखो, अब देखो कितनी जल्दी बन गया ये मेरा बॉम्ब वाला पार्ट, और तुम्हें बस ये बता रहा हूँ मैं, तुम्हें कंपटीशन में इतनी जल्दी करना है, हाथ हाथ इतनी जल्दी चलाना है तुम्हें, ठीक है? वैसे स्पीड है, लेकिन तुम्हें कंपटीशन में मतलब इतनी स्पीड में चलाना, इतना लेके चलो, तब जाके तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट होगी। और ज़्यादा डिटेलिंग पहले मत करो, पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, फिर जब कंप्लीट हो जाए ना ड्राइंग, उसके बाद डिटेलिंग करो आराम से बैठ के, ठीक है? क्योंकि यार पता है तुम्हारी कभी भी ना पेंटिंग गंदी नहीं होगी, ये याद रखना। जैसे तुमने गंदी बना दी ना, तो उसके ऊपर ना कलर चढ़ जाता है, तभी मैं कहता हूँ तुम्हें एक्रेलिक कलर अगर तुम यूज़ करो ना, तो तुमसे कोई गलती भी हो ना, तो तुम उस पर कलर चढ़ा सकते हो, ओके? अब देखो, अब एक्सप्लोजन जो हुई थी उसके नीचे जो चीज़ें बर्बाद हुई वो बनाना है हमें, ठीक है? तो उसके लिए ना ज़्यादातर हम मतलब डार्क वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, और ज़्यादातर मतलब आउटलाइन टाइप करेंगे काम बस, ठीक है? अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वाइट वाइट से डिटेलिंग करते हैं, तो मैं हल्की हल्की डिटेलिंग कर दी मैंने उसकी, ओके? अब देखो, अब नीचे ना तुम्हें बिल्कुल धुंधला सा बनाना है, कुछ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ दिखाना है, बस एक्सप्लोजन के नीचे जो भी चीज़ है ना वो धुंधली सी बनानी है, और ये बिजली थोड़ी सी ऐसे चमका दो ताकि तुम्हें लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ तगड़ा हुआ है, मतलब बहुत गलत हुआ है। Thank you.
अब ना यहाँ पे मैं जापान का मैप बना रहा हूँ, ओके। और इस पे ना जैसे हिरोशिमा और नागासाकी यहाँ पे बम फूटे थे ना, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लोजन दिखाऊंगा। जैसे इधर बनाया ना राइट में, वहाँ पे वैसे लेफ्ट में दो छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे वो मतलब हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े से एक्सप्लोजन जैसा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है? तो तुम देख लो वो कैसे कर रहा हूँ मैं, कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ उसमें, ध्यान से देखना, ओके। और फिर उसके बाद हाँ, इसको ना वाइट जब तुम करोगे इसमें, तो ना थोड़ा सा ना वाइट कम ही रखना इसमें, थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा उसमें, तो उससे और कुछ नहीं, थोड़ा सा अच्छा लुक आता है कि मतलब उस चीज़ पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा फिर, क्योंकि तुम्हारा मेन मोटिव है कि ये जो मैंने आगे जापानीज़ लड़की बना रखी है, ये थोड़ा सा ना मतलब ये दिखे, इस वजह से ना उसको थोड़ा हल्का ही रखना है, पर इतना हल्का नहीं जितना मैंने रखा है। इसे मैं बाद में थोड़ा सा और वाइट इस पर चला दूंगा मैं, ठीक है? पर थोड़ा हल्का ही रखना है, क्योंकि अगर तुम्हारे पीछे वाले पे ज़्यादा, पीछे वाला ज़्यादा लाइट हो जाए ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। इसलिए तुम्हें जो मेन चीज़ है ना, तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मतलब उसे ज़्यादा हाईलाइटेड बनाओ, ओके। तो उसे ज़्यादा हाईलाइटेड बनाओगे तो फोकस जो तुम्हारा मेन चीज़ है उस चीज़ पे जाएगा कि जैसे ये रोल ये वो। अब देखो, अब 3D लुक देने के लिए उस पर राइट साइड की तरफ ब्लैक चलाओ पहले, और उसके बाद उस पर सीधी सीधी लाइन वाइट से चला दो कुछ ऐसे, ओके। और ऊपर मैंने जापानीज़ मैप बनाया था तो वो बहुत ज़्यादा आसान था, इस वजह से वो मैंने दिखाया नहीं तुम्हें, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, ठीक है? देखो यार, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ओके? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।